करती हूँ, बिलीव मी कि मैं जब भी वीडियो एडिट कर रही होती हूँ मुझे ये नींद आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह जाने इस वीडियो के अंदर क्या चीज है, इसके अंदर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अभी कौन सी शेप बनाऊँ। दो फिटे मुंह, सारिया शेपा टूट दिया भैया ने। मिर्च नहीं डाली हुई थी ये नेशनल वालों ने ना, कोई मिर्च मुर्च नहीं डाली हुई अंदर, पता नहीं क्या गुटलियां डाल के, तो मशहूरियां ऐसे देते हैं तो अंदर होता तो चूमर बना डाला होता है इन्होंने। कैसे आप सब होंगे? सो मैं करने लगी थी नाश्ता, तो मैंने कहा चले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं अपने नाश्ते से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल वाले ब्लॉग पर थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट्स का, आप सबके प्यार का और आपके सपोर्ट का। तो मैं करने लगी हूँ नाश्ता, अंडा है इसके अंदर चिली डाली है ऐड के, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाया है। और ये नाश्ता सारा मैं कर लूँ, उसके बाद हम छत पे जाएंगे, छत पे जाके थोड़ा सा देखते हैं ब्लॉग में क्या वगैरह ऐड करना है। चैनल के साथ बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं देखती हूँ नाश्ते के बाद। ये देखिए जी, मैंने आज वीडियो तो कोई नहीं बनाई, तो जिसकी वजह से मैं आज थोड़ी सी सुस्त हुई हूँ, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने का। तो ये आप देख सकते हैं वही कल का वैसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो ये जो टब आप देख रहे हैं ना, ये सामने मैंने सारी स्लैब तोड़ दी थी, सारी स्लैब तोड़ के मैंने, मुझे मट का टेक्सचर मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने उसके अंदर ये सारा टेक्सचर डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने दोबारा से सीमर डालना है, दोबारा से इसको बनाना है, क्योंकि मैं अलहदा से मट का टेक्सचर तैयार नहीं कर सकती थी। तो मैंने यही स्लैब तोड़ के इसके अंदर डाल के इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया और एक मट का टेक्सचर ये तैयार कर दिया है। क्योंकि मुझे मट के टेक्सचर की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मट का टेक्सचर बनाएं, तो मट का टेक्सचर बनाएं, तो मैंने कहा मैं अलहदा तो नहीं तैयार कर सकती। तो मैंने अपने ओल्ड टेक्सचर को मट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अब ये रेडी होगा। तो इसके अंदर सीमट मिलाऊँगी तो ये रेडी होगा। बाकी आपके सामने सब कुछ है, मैंने कोई काम शाम नहीं किया, सुबह की ये टेक्सचर के पीछे लगी हुई हूँ। तो बस अब ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्या आगे क्या होता है, मुझे खुद भी नहीं पता। ले जी, मैं नीचे आई हूँ, मुझे लगी बड़ी ज़बरदस्त भूख। अब आप कहते हो कि नीक्स माँ आपको भूख भी, नूरा आपको भूख भी लगती है, मिट्टी के काम के अलावा मुझे कुछ और पता ही नहीं होता। तो ये देखें भैया, रात को मैंने बनाई थी सब्जी आलू, रात को चट हो गई थी, रात का सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो दोपहर के टाइम हमने कहा चलें, जो है रात का था वो थोड़ा सा बचा था, खाते हैं मज़े से खाते हैं मज़े से। फिर ये पुदीने की चटनी, मेरी मामा ना नमक बहुत कम डालती हैं, ये पुदीने की चटनी है और इसके अंदर नमक है ही कोई नहीं। मैं जाती हूँ, मैं नमक लेके आती हूँ और फिर अचार भी साथ लेके आती हूँ, फिर मुझे मज़ा आएगा, ऐसे मुझे मज़ा नहीं आना। तो ये देखिए जी, मामा ने मुझे चार ला दिया है, और खट्टा और तुर्क खाना खाने में ना मेरा तो शेर है। ये मैंने थोड़ा सा चार रख दिया, मिर्च नहीं डाली हुई थी ये नेशनल वालों ने ना, कोई मिर्च मुर्च नहीं डाली हुई अंदर, पता नहीं क्या गुटलियां डाल के, तो मशहूरियां ऐसे देते हैं तो अंदर होता तो चूमर बना डाला होता है इन्होंने। चले जी तू हूँ पढ़ा हट जा, मुझे रोटी खान दे। तो चले अब मैं खाती हूँ रोटी, एक बाइट आपके सामने खाती हूँ। क्या मुसीबत है ना, मुझे रोटी खा रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं जी, अब मैं खाती हूँ चाट के साथ टीकने वाला, एक हाथ से मोबाइल पर करना और एक हाथ से वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है ना। अब बड़ा मजा, मैं खाना खा लूँ फिर ऊपर चलते हैं, फिर देखते कुछ काम करने के लिए है कि नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के पार्ट में। हाँ जी, मैं अब आई हूँ ऊपर और
आज मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। मैंने आपको बताया ना, मैंने वो स्लैब्स बनी बनाई स्लैब्स को तोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास मड का टेक्स्चर था, मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही थी। मैं कहती इसको मैं बनाऊँ तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं क्योंकि ज़्यादा टेक्स्चर नहीं बना सकती, क्योंकि 11 टेक्स्चर्स मेरे पास पहले से ही हैं, तो इजाफी टेक्स्चर हो जाएगा तो फिर परेशान हो जाती हूँ कि संभालूंगी कैसे। तो इस वजह से मैंने ना फिर अपने ओल्ड टेक्स्चर को उसमें ऐड कर दिए। तो ये मैंने स्लैब्स उठाई थी, हाफ टूट गई जो मैंने सैंडमट की बनाई हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक इसमें इतना पानी है ना कि जिसकी वजह से ना ये मैंने उठाते वक्त ये टूट गई हैं। ये देखें, हाफ मैंने ऊपर रख दी हैं और हाफ जो है ना मैंने यहाँ जो है ना अब इसकी ये जो है ना शेप्स बनाने लगी हूँ। अच्छा, तो कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसके अंदर हैप्पी इंग्लिश मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि हम पागल नहीं हैं, हमारा दिमाग ख़राब है। तो वैसे अगर हम पर्सनली सोचें तो देखने वाले को तो काम अजीब लगेगा कि हम मर्ड ये काम कर रहे हैं, तो देखने वाले को तो अजीब लगेगा कि भाई ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इससे इनको क्या मज़ा आता है, क्या फ़ायदा मिलता है। तो मैं यही बात हमेशा की तरह मैंने यही बात करनी है कि देखें YouTube कैसे YouTube क्या जगह है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, अर्निंग का प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है ना। यहाँ एक तरह से कंपटीशन स्टार्ट है, हर कोई अपने पैशन के लिहाज से अपने काम को YouTube पर कर रहा है, ठीक है ना। जो जिसमें कंफर्ट फील करता है वो उस काम को ज्वाइन करके अपना जो है ना अपनी यानी कि YouTube पर अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम ASMR कम्युनिटी हमने ज्वाइन की हुई है। अब ASMR डिफरेंट तरह की हैं, फूड ASMR, ईटिंग ASMR, साउंड ASMR, डिफरेंट तरह के ASMR हैं। उसमें ये चीज़ आ जाती है कि सेंटिमेंट ASMR जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पानी के अंदर मिट्टी का गिरना, उसका साउंड जो क्रिएट होता है, वेरी रिलैक्सिंग कि जो सुनते हैं आप, एक स्लीप एड आपके लिए ये वीडियो है। ये यानी कि मैंने तो जब भी मैं ये वीडियोस अपनी एडिट करती हूँ, बिलीव मी कि मैं जब भी वीडियो एडिट कर रही होती हूँ मुझे ये नींद आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह जाने इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या ऐसा इफेक्ट है कि मैं कितनी एक्टिव हो के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, हर चीज़ इतनी एक्टिवली करती हूँ, हर सारा कुछ कर रही होती हूँ। लेकिन जैसे मैं वीडियो सारा काम कर करके जब मैं नीचे जाके वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मुझे ये वीडियो एडिटिंग के दौरान नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये इसकी ज़्यादा जो इसका बेनिफिट यही है कि इस वीडियो को देखने से आपको आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है और आप जो है इसको ये ASMR जो है ये इस तरह का ASMR है कि ये वाटर क्रमलिंग, सैंड सीमेंट क्रमलिंग, ये जो भी है ASMR, इससे जस्ट आप अपने माइंड को रिलैक्सेशन देते हैं साउंड की शक्ल में, साउंड सुनने की शक्ल में। तो शेप बनी नहीं सही, दोबारा बनाते हैं। तो बातों का ध्यान होना तो फिर शेप सही नहीं बनती मेरी। तो ये इसका ये तरीका, इसका ये मज़ा है। अब मैंने आपको इतना क्लियरिफाई किया, इतना डेफिनेशन दी आपको, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए। और इसमें जो थकावट हमें मिलती है काम करने के बाद, ये एक दिन महीने में 3-4 छुट्टियां मेरी मस्ट होती हैं, मस्ट, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, तो जिसकी वजह से फिर मैं स्किप कर देती हूँ और वीडियो नहीं बनाती। छुट्टी मैंने लाजमी मारनी होती है, आज मैंने छुट्टी मारी है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त हुई हुई थी, उससे काम नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो मैंने कहा व्लॉग मस्ट बनाना है, क्योंकि व्लॉग डेली मैंने माशाल्लाह डालना है, तो मस्ट व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड करना है। तो इस वजह से अब मैं स्लैब लेके आती हूँ, क्योंकि ऐसे हाथ से सही नहीं बन रहे।
स्ट्रैप के बिना जो है ना शेप उससे नहीं बनती। और बहुत बहुत उन सबका दिल से उनको शुक्रिया अदा करती हूँ, उन सब्सक्राइबर का जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, आपसे ही बनी है। तो अब बनाते हैं साथ साथ गपशप भी करते हैं, इतना सीरियस हो के नहीं बात ट्यूटोरियल बनाना, थोड़ा सा बीच में इंजॉयमेंट भी करनी चाहिए ना, नॉट एना सपाट वो बना के ते फिर असी ट्यूटोरियल बनाइए, है ना। देसी पीपल है ना, देसी पीपल ते नाल नाल अस हाय मेरी शेप टूट गई है मुझे जाके फिर कुछ शेप ढूंढनी पड़नी है। बहुत पुरानी शेप है ना, 3-3 साल पुरानी शेप है, तो उन्होंने चार उन्होंने टूटना ही है, और क्या करना है। अभी मैंने आज एक डब्बा भी तोड़ा था जिसके अंदर मैंने इतने बड़े बड़े ह्यूज शेप्स बनाई, वो भी मैंने तोड़ दिया। तो अब मैं जाती हूँ तो फिर से शेप तलाश करके लाती हूँ, तो फिर बनाते हैं। और जी उठना पैना फिर, तो मैं ना ग्लास बना लेती हूँ, टाइम की बचत, ग्लास बना लेते हैं। पहले इसको अच्छी तरह से हम अंदर से साफ कर लेते हैं क्योंकि रेड डर्ट लगी हुई है अंदर। चलें जी, चलो भैया आ जाओ, आपको तो हमने नहीं आपको बनाना, आपकी शेप टूट गई है, मैंने 3 शेपों का रखे थे, क्या करने। चलें जी अब हम बनाते हैं ग्लास, ग्लास बना लेते हैं। हाँ ये ना टूट जाए, नहीं ये नहीं टूटेगा, ये स्टील का है। चलें जी फिर स्पीड मारते हैं, अब आप काउंट करें और मैं फटाफट स्पीड मारती हूँ। ओह माय गॉड, मैंने बहुत शेप्स तोड़ी हैं। ये देखिए हर तरीके से बनाएंगे ना तो फिर जो अंदर से है ना टूटे भी नहीं। तेरे होने लगे हैं तो बनाते जाते हैं फिर ऐसे, 2 और बनाते हैं आपके सामने। मेरे हाथ में ज्यादा ड्राई हो रहे हैं ये हाथ। ये देखिए जी ग्लास मैंने बनाए हैं, बहुत बड़े ग्लास हैं, बहुत बड़े जब बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन मैं बस मैंने बना दिए, मैंने स्लैब्स उठाई उसमें से वो हाफ स्लैब्स टूट हो गई हैं, हाफ स्लैब्स टूट गई हैं, तो जिसकी वजह से ना मैंने फिर जो बाकी का था वो उसकी मैंने शेप्स बना दी हैं। तो ये था आज का व्लॉग, टुटा भजा व्लॉग, मैनू नहीं पता मैं जिंदा भी बनाया, मैनू नहीं पता मैं बना च रही है। तो चलते हैं व्लॉग के एंडिंग की तरफ, यानी कि मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में। मैं चाहे ड्यूटी पे कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए ना, चैनल पे कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए ना, चाहे हस्बैंड से ऑफ ही जाए थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, बहुत सा प्यार, अल्लाह हाफिज़।